जी हम लोग अब बनारस के गंगा घाट, कौन घाट है भैया? ये हरी केदार घाट है, केदार घाट। और यहाँ से वो शमशान उठ रहा है ना, वो हाँ, गंगा है। और वहाँ से जो आप देख रहे हैं ये, आइए आइए पहले हाँ, बात करके जाइए। चलिए चलिए से आपको घुमाते हुए सब बताते हुए। इधर 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 चलो फटाफट फटाफट चलो। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ ओ भैया रुक जाइए, भैया रुको रुको लाना है सुराज लेना तारे देखिए केदार घाट से, बनारस की केदार घाट से हम लोग अब निकल चुके हैं। ये नौका विहार इसको बोला जाता है, नौका विहार। और इस पे बनारस के जितने घाट हैं उस सब का आज अवलोकन किया जाएगा। सात बज चुकी है नेपाली टाइम। ये पहला घाट है, जी यहाँ पे देखिए दोस्त। अब हम लोग बनारस के जो ये जो आरती होता है रात्रिकालीन जो आरती होता है रोज, जो मुख्य घाट के रूप में भी परिचित है, उस घाट के समीप हम लोग जा रहे हैं बोट के जरिए। और पिछले समय में कोरोना महामारी, उसके बाद ये गंगा जी में जो पानी का बहाव और पानी का सतह बहुत ऊपर था, तो बोटिंग का सुविधा बंद किया गया था, लेकिन अभी उसी दिन हुआ है खोला गया है। और देख रहे हैं आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा बोट जो है, सब बोट पे इंजन फिट है, जो दमकल कहा जाता है, उस दमकल से बोट को खेवा जा रहा है। और एक आदमी का 250 रुपया देने के बाद ये लगभग लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा का जो सवारी होता है, इसको नौका विहार कहा जाता है। देखिए यहाँ पे शंकर भोले बाबा का
घाट और आरती के लिए श्रद्धालु भक्तजन लोगों की कितनी तादाद खड़ी है। पूर्वी सभ्यता का काशी से बनारस से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और विश्व हिंदू विश्वविद्यालय हिंदुत्व का जो धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण महिमा गाथा और इतिहास जुड़ा हुआ है बनारस सिटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी काशी विश्वनाथ जी का नगरी बनारस से जीते थे। लाइट वाला बोट है यहाँ पे देख सकते हैं आप। वीडियोग्राफी सेल्फी खींचने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए हजारों आदमी के यहाँ पे जमौड़ा लगा हुआ है। जितने आदमी आरती के उधर बैक साइड पीछे हैं उतने ही आरती के स्तंभ से गंगा जी में नाव पे हैं। आरती शुरू हो चुका है अब लगभग आधे घंटा 45 मिनट चलेगा और देखिए यहाँ पे भाई 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 ये बहुत ही आधुनिक किस्म का एक बोट है, एक दिव्य यात्रा अलकनंदा डिवाइन वॉयस। धनी धनाढ्य लोग का चढ़ने वाला बोट है जिसमें विदेशी पर्यटक लोग इसमें चढ़ते हैं। देख सकते हैं अब आरती जो है अंतिम पड़ाव पे है और यहाँ से बोटें निकलना शुरू हो गई है और इससे देखिए पीछे से हम लोग का लाइट का सहारा मिल रहा है। बड़ा वाला बोट जो है पीछे है अलकनंदा डिवाइन वॉयस का आधुनिक किस्म के नया बोट है और आप देख सकते हैं एक बोट पे लगभग 25-30-40-50-100 आदमी जितना आदमी बैठता है और यहाँ हजारों आदमी जो है आरती के लाभ लेने के लिए आते हैं हर रोज रात शाम से 8 बजे के बीच में। अभी आरती कंप्लीट होने वाले कंडीशन में इसीलिए अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। थैंक यू। अगर आप भी आते हैं बनारस घूमने तो सबसे फेमस जो है यहाँ की संस्कृति गंगा आरती घाट पे आके और आरती का साक्षात्कार होइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।